समाज सेवी युवा प्रत्याशी में चुनावी दंगल में कमर कसने को तैयार। मूलभूत सुविधाओं से ना रहे वंचित, कोई विकास को जन्म देना मेरा लक्ष्य, संजय सिंह तोमर। खबर प्रयागराज शंकरगढ़ से सामने आ रही है। नगर पंचायत का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे शंकरगढ़ के प्रत्याशी भी अपना दमखम लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्हीं प्रत्याशियों में संजय सिंह का नाम चेयरमैन पद के लिए प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। लोगों के अनुसार संजय सिंह का चुनावी मैदान में आना जंगल में शेर आने के समान साबित होगा, जिससे सभी प्रत्याशियों में एक प्रकार से हड़कंप मचा हुआ है। कुछ आंकड़ों के अनुसार लोगों का कहना है कि चुनावी मैदान पैसे का खेल होता है, परंतु इसके विपरीत नगर पंचायत शंकरगढ़ की जनता का कहना है कि संजय सिंह के रूप में एक ऐसा समाज सेवी उभर कर सामने आ रहा है जिसे धन का नहीं बल्कि एक मिलनसार मृदुभाषी चेहरा ही प्राप्त होगा, जिससे लोगों में एक खुशी सी जाहिर हो रही है। लोगों का कहना है कि यदि संजय सिंह हम लोगों के बीच में आते हैं तो निश्चय ही टाउन एरिया का विकास होगा। इसी बीच चेयरमैन पद के चुनाव की तैयारी कर रहे युवा समाज सेवी संजय सिंह सोमर ने टाउन एरिया के विकास से संबंधित जानकारी लेने पर उन्होंने मीडिया के समक्ष कहा कि अधिकार की बातें तो हर व्यक्ति करता है, परंतु कर्तव्य के प्रति उदासीन नजर आता है, जिसका नतीजा है कि नगर पंचायत शंकरगढ़ काफी पिछड़ा हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे नगर पंचायत में लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता है तो मैं उनके विश्वास को नजरअंदाज न करते हुए विकास को जन्म दूंगा। नगर पंचायत शंकरगढ़ के लोगों के निजी स्वार्थ में फंस कर काफी पिछड़ गया हूं, जिससे अभी तक विकास ने जन्म नहीं लिया है। जहां तक मेरा मानना है कि आज तक किसी भी चेयरमैन ने जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा सीफड़ है। हालांकि इस बार वोटर भी अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए खास जागरूक है। जनप्रतिनिधि कैसा हो, उससे जनता को किस तरह की अपेक्षाएं हैं, उससे कसौटी पर खरा उतरते हुए मेरी पहली प्राथमिकता होगी सफाई व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, खेलकूद मैदान, बालिका डिग्री कॉलेज, महिला अस्पताल, समाज कल्याण के तहत दिव्यांगों को पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित पूर्ण पात्रों को पूर्ण रूप से प्रयास कर उनकी मदद करना, सामाजिक सामंजस्य, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रति जन जागरूकता लाना, तमाम समस्याओं का निदान करते हुए टाउन एरिया शंकरगढ़ का विकास करना ही मेरा परम लक्ष्य होगा। रोड की है, नाली की है, यहाँ नाला जो है यहाँ कहीं बने हुए हैं, सब हमें समस्या नाले की है। जो भी नाले हैं हर मोहल्ले में आते ही कचरे भर लिए हैं, और कचरा साफ करने के लिए जब तक मेन ऊर्जा लेके नहीं जाएंगे, नाला पूरा नहीं बनाएंगे या तो कपारी नदी में नहीं जोड़ेंगे तो नाला का समस्या खत्म नहीं होगा। मेन है नाला। दूसरा है यहाँ बस स्टैंड, ब्राह्मण चौराहे पर इतनी भीड़ रहती है आए दिन, कोई मोटरसाइकिल, कोई टेम्पो, बस स्टैंड का भी एक प्रस्ताव रखा जाएगा इसमें हमारे हिसाब से। और तीसरी बात है पार्टी में है दावेदार है, पार्टी करते हैं तो रहेंगे, नहीं पार्टी के साथ रहेंगे और रहते रहेंगे संघर्ष। किस पार्टी में आप रहकर कार्य करना चाहते हैं और किस? हम लोग तो समाजवादी पार्टी से हैं जी, हम उसी पार्टी से काफ़ी दिन से जुड़े भी थे और है भी, हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, कोई पद नहीं है हमारा। हम पार्टी के साथ हमें देगी टिकट को हम पार्टी के साथ रहेंगे, न देगी तब भी पार्टी के साथ रहेंगे।